चीख किसकी थी? अरे सिस्टर, ये सिस्टर कहाँ गायब हो गई? ये कहाँ चली गई सिस्टर? सिस्टर सिस्टर, ये क्या हुआ? उसने मार दिया। शायद वो औरत ही होगी। शायद वो औरत ही थी। मम्मा, वो औरत कैसे हो सकती है? वो औरत तो मर चुकी है। सिस्टर कोई और होगा। सिस्टर, सिस्टर। ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था। अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मरकर भी मरा नहीं। मेरे होश उड़ गए। हम इस दुनिया में ही रहेंगे। हमें इस दुनिया में से कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं बहुत डर गई थी। मैं एक ऐसे आदमी को जानती थी जो आत्माओं के बारे में जानता था। तुमने जो कुछ भी देखा वो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में पता नहीं ऐसे और कितने लोग हैं जो मरकर भी यहीं घूम रहे हैं। क्या और भी बहुत लोग हैं? हाँ, वो सब यहीं हैं, हमारे आसपास। और वो लोग इतने सारे हैं कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। मगर उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेजने का या उन्हें खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम अपने शरीर में किसी मरे हुए इंसान का खून ले सकती हो तो। मरे हुए लोगों का खून? इनकी दुनिया में वही इंसान जा सकता है जिसके शरीर में मरे हुए इंसान का खून हो, मगर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं करूं? मैं अपने शरीर में मरे हुए इंसान का खून डालूंगी। मैं लड़ूंगी उनसे। मीना, तू यहीं रुक। मैं इसी लाश में से खून निकाल कर अपने खून में डाल लेती हूँ, ठीक है? किसी को अंदर मत आने देना। मगर नताशा, किसी लाश के अंदर खून कहाँ से आएगा? नताशा, शायद किसी में हो। ये हमने अच्छा नहीं किया। अगर इन मरे हुए लोगों को गुस्सा आ गया तो ये हम दोनों को मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उस मरे हुए आदमी ने मुझे देखा था। उसने कुछ नहीं किया। अगर उस आदमी ने कुछ नहीं किया तो और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं नताशा, तुम इन मरे हुए लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस आदमी के शरीर में मरे हुए लोगों का खून हो वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। कैसे कैसे खत्म कर सकता है? ये जल्दी पता चल जाएगा। तू सो जा, मैं जरा बाथरूम में जाती हूँ। बाथरूम में कौन है?
कौन हो सकता है? तुम्हें पहुंचना होगा और उस कब्र पर अपने खून की एक बूंद डालनी होगी। देखो, ये लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं। देखो, तुम्हारे पास खुद की कमी। कमरे में क्या काम है? मुझे बीना से मिलना है। वो है यहाँ पे? मैं ही बीना हूँ। क्या काम है? कौन हो तुम? मैं रागिनी हूँ। मुझे आपसे नताशा के बारे में बात करनी है। नहीं, नहीं, उसका नाम भी मत लो। मुझे नताशा ने तुम्हारा नाम बताया था। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ। देखो, देखिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज कोई मदद नहीं कर सकती। नताशा के पास जाओ। नताशा मर चुकी है। उसने मुझे अपना खून दे दिया और वो मर गई। मरे हुए लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, सब जगह दिखाई दे रहे हैं। भागो यहाँ से, भागो। नहीं, तुम मुझे बताओ, उन्हें खत्म कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी तो वो लोग मुझे मार देंगे। मेरी आंखें भी उन्होंने निकाली है। तुम्हें मुझे बताना ही होगा। वो लोग मेरी आंखें भी निकालने वाले
वापस वही शॉपिंग मॉल में जाओ। आगे जाके लेफ्ट में फूलों की दुकान है, उसके सामने सीधा चली जाओ। आगे जमीन में एक सर्कल बनाया है, गोल चक्कर। बीच में जाके खड़ी रहो, बस अगर तुम्हें किसी मरे हुए आदमी ने नहीं देखा तो जमीन के नीचे अचानक एक लाइट आ जाएगी, तुम उसके साथ साथ चली जाना। आगे एक कॉरिडोर आएगा, उसके आखिर में एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां पे एक कब्र बनी हुई है। मगर जैसे ही तुम उस लिफ्ट के पास पहुंचोगे, अचानक मरे हुए लोग आ जाएंगे। वापस जाओ। तुम्हें मरना होगा।
आशा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया।